अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले मैं कोई दो वीडियो बना चुका हूँ। पहली मैंने बनाई थी कुछ दिनों पहले ना, बनाई थी दो दो वीडियो बना चुका हूँ मैं, और दोनों अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रही। कोई वीडियो बन नहीं पा रही है, पूरी पूरी नहीं बन पा रही। मतलब जो दोनों वीडियो के टॉपिक अलग अलग हैं, एक बहुत अलग है, दूसरे उससे भी बहुत अलग है। दोनों बहुत अलग अलग हैं, दोनों के टॉपिक बहुत डिफरेंट हैं। अब ये तीसरी वीडियो बना रहा हूँ, ये बनेगी, ज़रूर बनेगी, और आप देख रहे हैं इसको बनेगी, क्योंकि देख रहे हैं तो इसलिए बनी है, देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे माइंडसेट की, और अपनी बॉडी की, और अपनी डेली रूटीन की, और अपनी लाइफ की, कि हमें अपनी लाइफ किस तरह गुजारनी चाहिए। ये मुझे बनानी पड़ रही थी, पता नहीं क्यों पड़ रही थी, मतलब अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है ये वीडियो। आप करना ये है कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी, पूरी मतलब एंड तक, मतलब जहाँ तक ख़त्म हो रही है वहाँ तक। तो सबसे पहले आपको और मुझे, हम दोनों को अपनी लाइफ में जो चेंज लाना है वो है डोंट जज एनीवन टू क्विकली। किसी को जज ना करो बहुत जल्दी। हम लोग करते ही हैं कि किसी के साथ, किसी के करीब आते हैं जब किसी वीडियो में या कोई वीडियो देख रहे होते हैं, किसी बंदे के साथ बैठते हैं, तो बहुत जल्दी जो है हम लोग उसको जज कर लेते हैं कि ये हाँ भाई ये इस तरह का है, हाँ भाई ये अच्छा नहीं है, हाँ भाई यार ये वीडियो बेकार है, यार ये वीडियो अच्छी नहीं है। ये करना अक्सर बहुत नुकसानदेह हो सकता है। ये आपको रोकता है एक चीज़ समझने में, ये पहली वजह। दूसरी वजह, आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो नहीं रहा, तो ये करना अच्छा नहीं है। किसी को जज करना बहुत जल्दी ये सही चीज़ नहीं है। ये अपने अंदर से पहली वाली बात, ये अपनी आदत ख़त्म करनी है। एक और आदत जो हम सब में बहुत आम है, कॉन्टैक्ट वर्सेस कनेक्शन। हम लोगों से कॉन्टैक्ट बनाना तो सीख लेते हैं, कॉन्टैक्ट तो बहुत जल्दी बना लेते हैं, मगर उनसे कनेक्शन नहीं बना पाते। आप सबको भी कॉन्टैक्ट तो बनाना आते होंगे, मगर कनेक्शन नहीं बनाना आता होगा। लोगों से कॉन्टैक्ट बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है उनसे कनेक्शन बनाना। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन लोगों से आपने अपना कॉन्टैक्ट बनाया होगा, मगर उनसे कनेक्शन नहीं बनाया होगा। तो आपको कनेक्शन बनाना आना चाहिए, और कनेक्शन उनसे बनाएं। फेसबुक और इंस्टाग्राम में जब आप किसी को कॉन्टैक्ट में लेते हैं तो उनसे कनेक्शन बनाना भी सीखें। हाय हेलो करके काम नहीं चलता। और सच सच बताएं, झूठ नहीं कहना, सच सच बताना है कि आप लोगों के कितने दोस्त होंगे कॉन्टैक्ट में और कितने दोस्त होंगे कनेक्शन में। तीसरी चीज़ जहाँ पर आप बहुत गलती पर हैं, वो आपका है कंफर्ट जोन। अभी आप जो वहाँ पे बैठे हैं वो आपका कंफर्ट जोन है, या मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुकून से देख रहे होंगे, कोई मसला नहीं है, बैठ के देख रहे हैं। तो अभी आप अपने हैं कंफर्ट जोन पर, इसी कंफर्ट जोन से निकलने की आदत बनानी है। कोई भी काम कंफर्ट जोन के अंदर रहकर नहीं हो सकता। कंफर्ट जोन ही है जो आपको काम करने से रोक रही है। कंफर्ट जोन में रहना यानी बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा सोना और बहुत ज़्यादा बैठे रहना, ये कंफर्ट जोन में आ जाता है। चौथी चीज़ जिसमें मैं अभी खुद भी गलती में हूँ, ये वीडियो बहुत देर में बन रही है, मतलब कोई डेढ़ दो नहीं, अभी बज रहे हैं डेढ़। और आपको जो करना है, हमें जो करना है लाइफ को चेंज करने के लिए, वो आ जाता है जल्दी सोना और जल्दी उठना। अब जाहिर है जल्दी सोने के लिए जल्दी उठना पड़ेगा, और जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना पड़ेगा। बहुत से लोगों को सुना होगा आप लोगों ने, बल्कि आप खुद भी बोला होगा, मैंने भी बोला, सबने बोला यार, उसने वो बैठा उसने भी बोला है कि यार आजकल दिन बहुत जल्दी गुजर जाता है। ये जो बोलने की वजह है, ये वजह है कि देर में सोना और देर में उठना। तो ये भी आदत ख़त्म करनी है आज से, आज ही होगी। नंबर 5, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो। आजकल जब भी हम किसी को कंपेयर कर रहे होते हैं ना, अपने आप से, अपने आप को किसी और से जब कंपेयर कर रहे होते हैं, वो ज़्यादातर हम किस वक्त होते हैं, अब हम सोशल मीडिया पर होते हैं। सोशल मीडिया पर हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों को अपने आप से कंपेयर करते हैं, और अपने आप को लोगों से कंपेयर करते हैं। और कोई भी इतना पागल नहीं है जो सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ का जो कोई बुरा वक्त होगा वो दिखाएगा। जाहिर सी बात है, वो अच्छा वक्त दिखाएगा, कोई अच्छा इवेंट होगा वो दिखाएगा। और हम लोग जब वही अच्छा इवेंट देख रहे होते हैं, हम लोगों को उसकी खुशी के बारे में पता होता है, उसकी लाइफ में क्या बुराई है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। और यही वजह है जब हम उसके बारे में जब देखते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो उसकी अच्छी चीज़ से कंपेयर करते हैं, उसकी बुरी चीज़ तो हमें नहीं पता। और जाहिर है आप भी सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ का कोई अच्छा ही पार्ट शो करेंगे ना, या तो कोई अपनी लाइफ का कोई बुरा पार्ट शो करेंगे, कोई फेलर वाला पार्ट शो करेंगे। नंबर 7, तो अगली बात यह है कि फोकस ऑन वन थिंग, ये हम लोगों के अंदर नहीं है, जो कि हमें आदत बनानी होगी। हम अपनी लाइफ में कोई भी काम कर रहे होते हैं तो एक काम पर हम लोग फोकस नहीं कर पाते, और दूसरे कामों की पड़ी होती है। एक चीज़ पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ट्राई टू फोकस ऑन सिंगल थिंग।
इसी वजह से हम लोग किसी चीज़ में इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पाते क्योंकि हम उस चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते, और कोई काम ख़त्म ना होना यही वजह है कि हम उस पर फोकस नहीं कर रहे। मल्टीटास्किंग करना गलत है, और टाइम वेस्टर्स की लिस्ट में जो लोग आते हैं उसमें मल्टीटास्किंग वाले लोग भी शामिल हैं, जो लोग एक वक्त में 3-4 काम कर रहे होते हैं। ये भी एक गलत चीज़ है क्योंकि एक काम पर फोकस नहीं मिल पा रहा, हम लोग उस काम पर फोकस दे नहीं पा रहे। सबसे बड़ी चीज़, कोई भी काम जो शुरू करो उसको ख़त्म करना सीखो, यानी कंप्लीट करना सीखो। हम कोई काम शुरू तो कर लेते हैं मगर ये नहीं पता होता कि उसको कंप्लीट कैसे करें, और यही वजह है कि बाद में जाकर वो काम पे हम फंस जाते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि उस काम को कंप्लीट कैसे करें। तो आपको काम कंप्लीट करना आना चाहिए और काम को अपना ख़त्म करना आना चाहिए, किस तरह काम शुरू करना है और किस तरह शुरू करके ख़त्म करना है ये भी आना चाहिए। ऐसा काम ना करें जिसको शुरू करने में आपको तो बहुत एक्साइटमेंट हो, बहुत ज़्यादा जोश हो, मगर ये नहीं पता होगा कि करना क्या है आगे, ख़त्म कैसे करें। अगर आप ये सीन देख रहे हैं तो इसका मतलब आपने पूरी वीडियो देखी है, हो सकता है आप स्किप करके यहाँ पर आ गए हों तो ये चीटिंग करिए, आपने दोबारा देखी वीडियो। मगर अगर आप शुरू से देखते हुए अलग सीन पे आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम बोलोगे वीडियो में यार एलन मस्क लिखा हुआ है, वो तो है नहीं। तो भाई मेरा, हाँ भाई क्या हाल है? ठीक है। हाँ ठीक, तुम सुनाओ। हाँ बस ठीक, तुम सुनाओ क्या चल रहा है? बस ठीक, तुम सुनाओ। और वो कैसा चल रहा है स्पेस एक्स? बिल्कुल फिट, तुम सुनाओ। और टेस्ला मंगवाओ आपके लिए? मैं रॉकेट में चले जाऊंगा।